नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। और आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। बल्लभगढ़ के अटाली गांव में हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। पिछले 9 दिन से न सिर्फ अटाली गांव बल्कि आसपास के गांव के लोग भी खौफजदा हैं। वजह है धर्म के नाम पर भड़का वो दंगा, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के लोगों के बीच तनाव का माहौल है और इन सब के बीच समाज के कथित ठेकेदार गांव में पहुंच रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं और बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर अटाली के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? तो अटाली के हालात पर आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अटाली के अमन चैन को किसकी नजर लगी है। जानने के लिए यह भी कोशिश करेंगे कि क्या एक छोटी सी बात से पैदा हुए विवाद को एक सांप्रदायिक हिंसा की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सूबे के सौहार्द को किसकी नजर लगी है? दरअसल आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बल्लभगढ़ के अटाली गाँव में जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है, खासकर यहाँ के उन बाशिंदों के लिए जो दिन रात इलाके में शांति बहाली का सपना देख रहे हैं। हालांकि हालात कुछ ज्यादा नहीं सुधरे हैं, बल्कि समय समय पर इलाके में सियासतदानों ने जाकर घड़ियालू आंसू बहाकर स्थानीय लोगों के जज्बातों को और ज्यादा कुदेड़ने का काम किया है। बाकायदा इलाके में अलग अलग पक्षों की ओर से पंचायतें बुलाई जा रही हैं, लेकिन इनके बेनतीजा खत्म होने से उन लोगों को खासी निराशा हाथ लग रही है जो सुख चैन से जिंदगी जीना चाहते हैं। इस गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा, विधायक टेकचंद शर्मा पहुंचे और अमन बहाली की कोशिशें की गयी। फिर यहां पर एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन उवैसी भी पहुंचे और अटाली मामले पर सियासत को गर्मा गए। ये तो एक बड़ी अफसोसनाक हरकत हुई है और हमारे कैपिटल से 50 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरह की का वाक़या होना और परमिशन जो मस्जिद का है उसको बहाना बनाकर पूरे गांव को भगवा देना, वहाँ से उसको डरा कर मार कर घर जला दिए, कारोबार कपड़े जला दिए, तो इससे बड़ी बदबख्ती की और क्या बात हो सकती है, अफसोसनाक बात। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवैसी ने गांव पहुंचकर कुछ लोगों के पक्ष में सवाल जवाब किया, बल्कि विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची भी सोमवार को बल्लभगढ़ जा पहुंची। बातचीत के दौरान उन्होंने ओवैसी के खिलाफ जमकर जहर उगला। हैदराबाद से चलकर के ओवैसी आ जाते हैं यहाँ। मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदू महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, इतना अन्याय किया, पथराव किया, उनके साथ में बदतमीजी आखिर क्यों की? अब सवाल ये उठता है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में सियासतदान इलाके में पहुंचकर सिर्फ माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण तो नहीं बना रहे हैं? इस सवाल का जवाब स्थानीय लोग ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, लेकिन ये लोग आखिर उस वक्त कहाँ होते हैं जब गाँव के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे होते हैं? गाँव के लोग बिजली की कमी और पानी की किल्लत से जूझ रहे होते हैं। इसके बारे में शायद ही किसी नेता ने पूछा होगा। यहाँ के बाशिंदों को स्कूल की जरूरत है ताकि उनके बच्चे शिक्षित हो सके, लेकिन इस बारे में भी सोचने की फुर्सत शायद सियासतदानों को नहीं होगी, क्योंकि वो तो ऐसे वक्त इस गांव में जा रहे हैं जब माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अटाली का माहौल आखिर क्यों नहीं सुधर पा रहा? क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं? तनाव लगातार बरकरार है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। अमित नेहरा, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की ओर से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े हैं, बीजेपी की ओर से राजीव जेटली जी आए हैं और इनेलो की तरफ से अरविंद भारद्वाज जी इस चर्चा में शामिल हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जेटली साहब, सवाल यही है कि जो कोशिशें हो रही हैं क्या वो काफी हैं? अगर काफी हैं तो क्यों इतना वक्त? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आप ही की रिपोर्ट के हिसाब से आपने बताया कि माहौल को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमारे विधायक वहां पे पहुंचे और माहौल ठीक करने के लिए जो भी कदम उठा सकते थे उन्होंने उठाए। उन जो कदम उन्होंने उठाए उसमें वो कामयाब भी हुए, क्योंकि आपको पहले इस गांव की डेमोग्राफी को समझना होगा। इस गांव में हिंदू मुस्लिम शुरू से ही एक साथ रहते हुए आए हैं
और ऐसा नहीं कि पहले भी कभी ऐसी छुटपुट घटनाएं ना हुई, पहले भी ऐसी कभी कभी घटनाएं हो जाती थी, लेकिन जिस तरीके से आज प्रदेश और देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं, उसमें कुछ राजनीतिक दलों ने आग में घी का काम करने के लिए, जैसे कुछ विचारधाराएं जिनको सो कॉल्ड विचारधाराएं कहा जाता है, कि सो कॉल्ड सेकुलर नेता, कांग्रेसी विचारधारा के ओबीसी साहब, इसी तरीके के विचारधारा के लोग जो हैं वो वहां पर आकर उन्हीं समुदाय के लोगों को बरगलाते हैं, उनको भड़काते हैं, बावजूद उसके कि उस गांव के सरकार जो आपकी है राजीव जी, सरकार गांव के जो बड़े सरकार आपकी है, विधायक साहब आपके हैं, शासन प्रशासन आपका है, अगर आपको रिकॉर्ड पता है कि ये शख्स इस बैकग्राउंड का है, इजाजत क्यों दी गई ओवैसी को वहां पहुंचने की? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई कहीं पर भी मूव कर सकता है, डजंट मीन माफी चाहूंगा, उसका मतलब माफी चाहूंगा आपको ये कहते हुए कि चुनाव के दौरान बहुत बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे नेताओं को राज्य के मुख्यमंत्री आने की इजाजत नहीं देते हैं, ये कहते हुए कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, ये आपके अधिकार क्षेत्र की चीज थी, अगर आप चाहते तो ऐसा किया जा सकता था कि ओवैसी को रोका जा सकता था। आपने कहा चुनाव के दौरान जी, अभी अब चुनाव नहीं चल रहा जी, चुनाव नहीं चल रहा है, लेकिन मैं इसलिए आपको आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहा था कि जब चुनाव का दौर आता है तो क्यों अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, और जब यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की बात है और आपको ऐसा लगता है कि इस शख्स के आने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, तो सरकार के पास ये ताकत है कि सरकार उसकी आवाजाही पर पाबंदी लगाए, नो एंट्री का गेट लगा दे उसके सामने। मेरे को बहुत अच्छे सुझाव आपने दिया, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर हम इस बात के ऊपर अमल करने लग पड़ेंगे तो मैं साकेत सुमन जी बहुत आगे जाना पड़ेगा मुझे, और वहीं पर फिर आपको पीछे आना पड़ जाएगा कि हम किसी को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम रोकने की बात करेंगे तो इस देश के अंदर हम पर ये इल्जाम लगेगा कि विशेष समुदाय विशेष के व्यक्ति को रोका जा रहा है, तो ये बात मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं। लेकिन असली जो बात है वो ये है कि हमें इसका एक सोल्यूशन निकालना है, और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे माननीय सांसद साहब, हमारे विधायक वहां पर गए और उनको आश्वासन दिया, और वहां के सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो मुस्लिम भाई हैं वो भी समझ रहे हैं, वो भी अपने गांव में वापस आना चाहते हैं, बार बार जब वो रजामंदी हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, उसी वक्त पे कहां से उन्हें बूस्ट किया जाता है, क्यों बूस्ट किया जाता है, क्यों बरगलाया जाता है, इस बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए, उसके बाद वो बैकआउट करते हैं। लेकिन मौजूदा हालात ये है, जो आज हमें पता चला है, मौजूदा हालात ये है कि सभी लोग अपने घर में आने के लिए तैयार हैं, वो अपने घरों में जाने के लिए तैयार हैं, गांव वालों की सभी की बातचीत हो चुकी है और उसके सलूशन भी निकाल चुके हैं। प्रशासन ने भी इसमें बहुत अहम रोल अपनाया कि अगर इसको प्रशासन सिर्फ कानूनी रूप से देखता तो मुझे लगता है वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ी होती, लेकिन एक सोशल आर्बिट्रेशन जो प्रशासन ने करवाया, उस सोशल आर्बिट्रेशन की वजह से आज हम उस मुकाम पर आ चुके हैं कि जो आग भड़काने की कोशिश की जा रही थी हमने उसको भड़कने से पहले ही रोक दिया। ठीक है, आपको अरविंद भारद्वाज जी काउंटर करना चाह रहे थे। अरविंद जी, साकेत जी, एक बात की ओर मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा, फरीदाबाद जो शहर है, आजादी के बाद से, सन 47 के बाद से आज तक फरीदाबाद में कभी भी धार्मिक दंगे नहीं हुए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के हों या और किसी समुदाय से हों। पहली बार ये देखने में आया कि हिंदू मुस्लिम की एक दंगा यहाँ हमारे फरीदाबाद में हुआ। मैं खुद जो अटाली गांव है उसके पड़ोस में मेरा अपना गांव है जहां मेरा जन्म हुआ, तो मेरा अटाली से आना जाना है, मैं पहले से अटाली के लोगों को भी जानता हूँ। चाहे वो राजनीतिक प्रोग्राम हो या वो सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, सभी धर्मों के लोगों ने, दोनों धर्मों के लोगों ने हमेशा उन्हें मिलजुल कर मनाया, उनके बीच में कभी किसी तरह का ऐसी कोई बात देखने को नहीं आई। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इस जो ये हुआ है, जो ये केस हुआ है, इतना बड़ा जो ये दंगा हुआ, उसके पीछे वजह क्या है? उसमें कई वजह है, जिनमें सबसे बड़ी जो वजह नजर आती है वो इस जो हमारी हरियाणा की जो सरकार है, इसकी नासमझी और इसकी अनुभवहीनता है, जो एक बहुत छोटे से मैटर को इतना बड़ा ये इशू बन गया। अगर ये चाहते तो उसी वक्त ये समस्या दब जाती, क्योंकि वहां के जो SHO है उसे पता था कि 25 मई को वहां पर एक पंचायत होने वाली है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और उसी पंचायत के बाद वहां पर ये झगड़ा हुआ और फिर उसने दंगे का रूप ले लिया। अगर उसने एहतियातन पहले ही वो कदम उठाए होते, या DC ने, कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने कोई स्ट्रिक्ट कदम पहले ही उठाया होता तो शायद ये घटना ना होती। मेरे साथी जेटली जी ने एक बात कही कि कुछ पार्टियों के लोग दंगे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने समय रहते इसे काबू में कर लिया। अगर आप इसे काबू में करना कहते हैं
एक चीज बताइए, कितने लोगों का इसमें नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, लाखों का सामान उनका जल गया, घर जल गए, इसे भी आप ये कहते हैं कि समय रहते संभाल लिया, मतलब ये आपकी नजर में कुछ था ही नहीं। दूसरी चीज, आप दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, पर आप स्पष्ट बताइए किस पार्टी के नेता ने इसे भड़काया। हमें तो स्पष्ट यही नजर आता है कि आपने इस चुनावी फायदा करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसमें कहीं ना कहीं आपने खुद प्रशासन को ढील दी और कोई कार्रवाई नहीं होने दी। सुनिए आप मेरी बात, सुन लीजिए जेटली जी, आप पूरा बोले थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मेरी एक बात सुन लीजिए कि 9 दिन आज हो गए, 9 दिन में भी आपने क्या कार्रवाई की, पहले तो आप ये स्पष्ट बताइए कि इसमें क्या आप ये साबित कर पाए कि किसका दोष था। दूसरी तरफ आप बात करते हैं पंचायतों की, पंचायतें पहले दिन से हुई हमारे विधायकों ने की, वहां पर सिटिंग एमएलए आपके ही हैं, तो वही प्रयास, उन्हें ही प्रयास करना चाहिए था। दूसरा, प्रशासन आपका है, प्रशासन को आपको गाइडलाइंस देनी चाहिए थी, और वही पहले दिन अगर कोई सख्त कदम उठा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। दूसरी चीज हम एक और बताना चाहते हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोगों में आपस में भाईचारा बहुत मजबूत है, और अगर ये समस्या सुलझेगी तो आपकी किसी साध्वी प्राची या ओवैसी से नहीं सुलझेगी, ये समस्या सुलझेगी यहाँ के मौजूदा लोगों से, क्योंकि ओवैसी की वो आप इल्जाम लगा सकते हैं, वो दूसरी पार्टी का, पर साध्वी प्राची आपकी अपनी पार्टी से संबंधित एक दल से है, इसलिए आप उस पर उसके आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटा सा बात जवाब, इन्होंने एक बात रखी कि आपको पहले कड़े कदम उठा लेने चाहिए थे। हम ये बात कहते हैं कि सोशल आर्बिट्रेशन, शायद इनको ये मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या ये बात कहना चाहते हैं कि जो गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे उनके बच्चों को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए था? क्या इसे ये कड़े कदम कहते हैं? वो कड़े कदम हमने नहीं उठाने थे, हमने एक माहौल बनाना था जिसमें दोनों को पास लेकर आया जा सके, और वो इतना पास कि वहां दंगे, जिसकी बात कह रहे हैं ये, जिस अगर अगर आप सुन लीजिए, अगर आप दोनों के पास लौटेंगे, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं नहीं बोला ना, आप जवाब दिया वहां, राजीव जी आपके जवाब नहीं आते, ठीक है, इसकी सरासर जिम्मेवारी आपकी है, आप इसे मुजफ्फरनगर जेल में डाल देना चाहिए, उनका आपसी समझौता नहीं करवाना चाहिए, खतरनाक स्टेप। ठीक है, राजीव जी हम लौटेंगे, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अरविंद जी आपके पास आएंगे, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रख पाने में अटाली गांव में नाकाम साबित हो रही है, क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि राजीव जेटली को सपने में भी कांग्रेस नजर आती है, ये इतने बौखला चुके हैं हमारी रैलीज देख के, हमारी पदयात्रा देख के, कि बड़बड़ाते हैं सपने में भी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से। लेकिन ये सरकार अनुभवहीन लोगों की सरकार है, इनके प्रवक्ता अनुभवहीन है राजीव जेटली, इनको नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। सरकार का काम है किसी कोई आदमी अगर दंगा भड़काता है वहां, उसको सरकार रोक सकती है, हमने रोका है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वस्त हुई थी, हमने हरियाणा के अंदर बिल्कुल दंगे नहीं होने दिए, हमने बाहर के लोगों को रोका। आपका तो एक भी नेता नजर नहीं आया वहां पे, और हुड्डा साहब आपका नेता नजर क्यों नहीं आया ये तो बता दीजिए, दंगे भड़काते हैं। अरे आपका नेता वहां पर क्यों नजर नहीं आया ये तो बता दीजिए कम से कम। आप कौन सी राजनीति खेल रहे हैं? आप ओबीसी को भेजते हैं, आपके खुद के नेता वहां नहीं जाते, ये तो क्लियर कर दीजिए। प्रजातंत्र ये है कि लोगों को भड़काओ, भड़काने के लिए पता तो है किसी बात का। आप बहुत बड़े प्रवक्ता बने फिरते हो, अपने नेताओं को क्यों नहीं भेजते? आप बहुत बड़े प्रवक्ता बने फिरते हो, आपको ये नहीं पता सरकार रोक सकती है नहीं रोक सकती? आपको ओबीसी की जरूरत क्यों पड़ती है वहां पर? सरकार रोक सकती है, आप चुप हो जाएगा 2 मिनट का, मेरी बात सुनेगा? कौन सा वोट लेना चाहते हैं? मेरी बात सुनेगा? मैंने आपकी बड़े अच्छे ढंग से बात सुनी है, अब मेरी बात सुनिएगा जरा। आपको कुछ पता तो है नहीं, आप ऐसे बहुत बड़े सोशल आर्बिट्रेशन की बातें करते हैं, क्या होता सोशल आर्बिट्रेशन? आप जवाब दीजिए, आपने सारी स्थिति खराब कर दी। छोटा सा मामला था, आपने मामले को एक बहुत बड़ा बवाल बना दिया आपने, यह आपकी अनुभवहीनता है। हैदराबाद से बुलाते हैं, आपका अनुभव है हरियाणा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, इसको मामले को सुलझाया जा सकता है।
आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है मामला सुलझ चुका है। आप दोनों के पास लौट के अमित नेहरा जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हुड्डा साहब आपके पास लौटते हैं, अमित नेहरा जी सवाल ये है कि अटाली में जो हालात बने हैं आपको क्या लगता है, क्या रोल प्रशासन का, क्या रोल सरकार का हो सकता था? सुन लीजिएगा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अमन जी दोबारा रिपीट करेंगे। अमित नेहरा जी सवाल यह है कि अटाली में जो माहौल बना उसमें प्रशासन और सरकार का किस तरह का रोल होना चाहिए था कि जल्द से जल्द जो तनाव बना है उसको खत्म किया जा सके। देखिए अमन जी, पहली बात तो ये है कि हम जो चर्चा में भाग ले रहे हैं तो हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए, पहली बात तो ये है। बात अब मुद्दे पे आते हैं। बात आपकी जायज है, प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए था टाइम रहते जी। जो ढील दी, जो इनेलो प्रवक्ता ने अभी बात कही कि 25 मई से जी अमित जी हेलो कृष्ण मूर्ति जी, आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा शालीनता बनाए रखें तो हमें खुशी होगी। आपका नंबर आए तो आप अच्छी तरह एलोबरेट करना। तो मुद्दे पे आते हैं दोबारा, और प्रशासन को पता था, और बात यह है कि मैं भी गया था परसों वहाँ पे जो पंचायत थी, तो उसमें क्या है कि ये सारा माजरा क्या है जी। माजरा ये है कि वहाँ पे जो गांव है उसमें अल्पसंख्यकों के 5 या 6 घर हैं टोटल मुख्य आबादी में, और गांव से थोड़ी सी दूर 1-1.5 किलोमीटर पे 150-200 परिवार हैं अल्पसंख्यकों के। तो अल्पसंख्यकों ने ये जिद कर ली थी कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे जहाँ पे हमारे 5-6 घर हैं। गांव वाले ये कह रहे थे कि जहाँ पे आपके 150-200 घर हैं मस्जिद वहाँ बना लो, हम पंचायती ज़मीन दे देंगे विदाउट कॉस्ट, आपसे बिना पैसे लिए मस्जिद बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि विवाद इतना बढ़ा कि जानी दुश्मन हो गए दोनों समुदाय। तो बात यह है कि अब जो राजनीतिकरण हो गया तो ये सबसे बुरी बात हुई है। अब देखिए ओवैसी जी का वहां पे क्या आने का मतलब था, जब झगड़ा हो ही गया है प्रशासन को भी ये चाहिए था कि FIR हुई है तो जिस पक्ष ने ज्यादती की है उसके खिलाफ कार्रवाई करती। पंचायत तो बाद में भी होती रहती है, थोड़ा सा ये तो लगे कि न्याय हो रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी ढील बरती है। और रही बात ओवैसी की, ओवैसी जो जिस तरह की जहरीली भाषा बोलते हैं पूरा देश वाकिफ है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में ही एक बात कही थी कि हर बच्चा जन्म से ही मुसलमान होता है, तो इस तरह की इनके भाषा है। तपन सेन बताइए मार्क्सवादी नेता का वहां पे क्या काम था जी। बात ये है कि नेता तो आते जाते रहेंगे बिल्कुल, और साध्वी प्राची का वहां पर क्या रोल था, वहां पर जाने का मकसद क्या था, ये भी जो चीजें हैं अमित जी वो भी सवालों के घेरे में आती है। एक छोटे से ब्रेक लिया हमें आप